नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। कहानीघर का यही कार्यालय है ना? जी यही कार्यालय, यही पे चलता है कहानी जी। दर्शकों को कुछ बताएं कहानी घर के बारे में, कैसे इसे स्थापित करने की आपको प्रेरणा मिली, अकीन से मिली, क्यों मिली? प्रेरणा यही है, आज के बच्चे ही प्रेरणा है जी। कि हम लोगों ने देखा कि जो बच्चे हैं मुख्य तौर पे उनके में बहुत ज़्यादा वो मशीनीकरण आ गया है, उनके वो मोबाइल में लगे रहते हैं, वो बाकी टीवी के दूसरे चैनल्स में लगे रहते हैं, तो मतलब उनमें हम लोगों ने देखा ये चीज़ कि ये कहीं ना कहीं तकलीफ दे रहे हैं कि लोगों के बीच बैठना उठना ये कम गया है, बच्चों की कहानियाँ कम हो गई हैं। तो यही मुख्य तौर पे हम लोगों ने सोचा कि इसको एक ऐसे शुरू किया जाए कि जिसमें कि बच्चों की कहानियाँ हो, जुड़े थोड़ा लोगों से जुड़े, थोड़े वास्तविक दुनिया से जुड़े, थोड़े ऐसे चीज़ों से जुड़े जहाँ पे कि उनको समझ में आए कि कहानियों का जो संस्कार है वो उनमें आए। तो इसी वजह से हम लोगों ने शुरू किया। आधुनिक बच्चे जो हैं कहानियों की दुनिया से दूर हो गए, क्योंकि नानी जी की कहानियाँ और दादी जी की कहानियाँ वो तो बच्चों को अब सुनने को नहीं मिलता है, बच्चे कार्टून फिल्म्स देखते हैं बिल्कुल, और मोबाइल्स पर भी जो ऐप्स वगैरह है वो सब में इंगेज रहते हैं। वही वही हम लोगों ने देखा कि बच्चों में जो वो कमी जो है ना, कहीं ना कहीं हमारे जो रहन सहन का है उसकी वजह से ही शायद ये भूल से हुआ है। तो कहानियाँ जो हम लोग सुनते थे अपने जमाने में, उससे कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक संस्कार आता था, तो वो जो कमी खली है ना हम लोगों को, उसकी वजह से हम लोगों ने शुरू किया। और अभी आप देखेंगे कि कहानी घर में रेगुलर में बच्चे करीब 50-60 बच्चे आते हैं। ये हमारा एक अपार्टमेंट है और इसी फ्लोर पे पूरा हम चलाते हैं यहाँ पे, और बाकायदा इसको बच्चों के लिए ही लिया है, हम लोग रहते कहीं और हैं। और ये इनिशिएटिव हम लोगों का कहीं से कोई फंड नहीं है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ खुद चलाते हैं इस चीज़ को। बच्चों को कहानियों से जोड़ने का बहुत अच्छा प्रयास है आपका। जी, जी, जी ये प्रयास जो है इसी का अनूठा है। हाँ, ये प्रयास इसीलिए है क्योंकि हम लोगों को फील हुआ कि न्यूक्लियर फैमिली जो है ना उसकी वजह से लोग बिजी रहते हैं, इसकी वजह से तो वो संस्कार नहीं आ रहा है। तो उसकी वजह से हम लोगों ने जब शुरू की तो मन में सिर्फ यही था कि उनको कहानियाँ सुनाई जाए, उनको कुछ अच्छे फिल्म्स दिखाए जाए, क्योंकि ऑडियो विजुअल जो है ना वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट देता है। तो वो किया, फिर बाद में एहसास हुआ जब बच्चे जब जुड़ने लगे, तो जो हमारा यहाँ पे तो काजीपुर के बच्चे आते हैं, तो हम लोगों ने फील किया कि जो बेसिक जो पढ़ाई है ना उसकी बहुत कमी है। तो अभी कहानी घर 7 दिन चलता है, 5 दिन बच्चों की पढ़ाई चलती है। समय क्या है जी? 4:30 से 6:30 तक शाम को हर दिन चलता है। तो 5 दिन पढ़ाई होती है, सैटरडे को कुछ एक्टिविटी हम लोग करते हैं, कल्चर से जोड़ते हैं उनको, कभी गेस्ट आते हैं हमारे यहाँ भी, आने वाले में सब एक से एक, आप जो भी पटना में या बिहार के स्तर में जो भी अच्छा काम कर रहे हैं तो सारे लोग आ रहे हैं और बच्चों से अपनी बातों को बांटते हैं। आइए आप। आगे का
क्या नाम है तुम्हारा? रवि। किस क्लास में पढ़ते हो? टू क्लास में। कहानी घर में कैसा लगता है आने पे? तुम अच्छा लगता है। क्या क्या सीखे हो? ड्राइंग, डांस और कलर करना और पढ़ते भी। कौन सा स्कूल? सन फ्रांसिस एकेडमी। कहाँ पे? कहाँ पर? मेला पास। कब से आ रहे हैं? कहाँ गए? नहीं, कब? कितने साल हुए? मैं दस साल तुम्हारा उम्र है। तो क्या सीखे और क्या कहना चाहोगे? क्या नाम है तुम्हारा? प्रेम कुमार। क्लास टू। मेरा उम्र है 11 साल। और क्या क्या सीखे हुए हैं यहाँ पर? हम डांस सीखते हैं, पेंटिंग सीखते हैं, नाटक सीखते हैं, पढ़ाई सीखते हैं। यहाँ आने पर कैसा लगता है? बहुत अच्छा। यहाँ मन लगता है ज़्यादा या घर में मन लगता है? घर जाने का मन नहीं करता है? नीचे ही में है। और कोई छोटा सा कहानी सुनाओ, एकदम छोटा सा। हमको नहीं, थैंक यू अंकल। वॉल्यूम जरा बोलो कम करने के लिए। अच्छा, कोई एक छोटा सा छोटी सी कहानी कोई सुनाएगा? इसमें कोई सुनाएगा कहानी? कहानी कोई भी कहानी, स्टोरी। हम नहीं कर सकते ना, तुम करो। हम कहानी लेके बच्चे हैं और तुम भी नहीं जाओगी कि नॉर्मल बच्चा कि नॉर्मल बच्चे को भेजते मुस्कान कहानी सुनाओगे? कोई भी कहानी, छोटी सी कहानी। कहानी घर में हो, कहानी सुनाने में फिर देर कैसे? कहानी घर में रहती तो कहानी ढेर से रहता होगा। अंकल 5 मिनट टाइम दे दीजिए, तुम सुना दो। तो नहीं अंकल, हम नहीं कर सकते ना। और कौन सुनाएगा? सुनाओ भी कहानी, छोटी सी कहानी। चलो मैं चलो। जो कहानी तुम्हें बहुत अच्छी लगती हो, बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी तुमने नानी जी, दादी जी, माँ जी से, कोई भी कहानी। एक लड़की था जिसका नाम था पंखुड़ी नाम था। उसके पापा उसे प्यार नहीं करते थे, उसे बहुत मारते थे। दूसरा दिन उसका बर्थडे आया और वो सब फ्रेंड को इनवाइट की, बहुत सारा चीज था, बहुत हंसी खुशी का केक कट की। उसके बाद उसके फ्रेंड लोग गिफ्ट दी, उसके पापा नहीं दिए। उसके पापा बोले, वो अपने पापा से पूछने गए, पापा आपने मुझे गिफ्ट क्यों नहीं दिया? तो उसके पापा बोलते, तुम पढ़ती नहीं हो इसीलिए मैंने दिया हूँ गिफ्ट। यदि तुम पढ़ोगी तो हर साल मैं तुम्हें गिफ्ट दूँगी। तो दूसरे दिन उसका एग्ज़ाम आया। तो एग्ज़ाम में बहुत 3-4 दिन बहुत मेहनत की। एग्ज़ाम में फर्स्ट टाइम उसके पापा उसे एक गिफ्ट दिए और पार्क ले गए घुमाने के लिए। फिर दूसरे दिन उसका तबीयत ख़राब हो गया, बहुत कसके बुखार लगे।
आइसक्रीम में सभी बहुत खाई थी इसलिए खाना बुखार लग गया था। तो वो रात भर उसके पापा जग के ना उसके लिए बहुत सारे मेडिसिन लगाए, उसको फिर मलम पट्टी लगाए, फिर पट्टी से पानी से सेके बहुत सारे किए रात भर जग के। दूसरा दिन उसका तबीयत ठीक हुआ तो उसको पता चला कि मेरे पापा मुझसे कितना प्यार करते हैं, तो वो बहुत खुश हो गई अपने पापा से, पापा को थैंक यू बोली। उसके बाद इससे हमें ये शिक्षा मिलता है कि हमें हमेशा पढ़ना चाहिए और अपने पापा का को खुश रखना चाहिए, जिससे हमारे पापा हम लोग को हमेशा गिफ्ट दें। थैंक यू। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हम लोग को ना हमेशा पढ़ना चाहिए और बहुत अच्छे मार्क्स लाने चाहिए, इसी से हम लोग के पापा प्यार करेंगे, नहीं तो ऐसे डांटेंगे मारेंगे ये करें ऐसे डांटेंगे मारेंगे नहीं, बहुत प्यार करेंगे और हम लोग को गिफ्ट मिलेगा। अम्मा जी माँ प्यार नहीं करेगी? हाँ माँ प्यार भी करती है। माँ को कैसे भूल गई? नहीं मम्मी तो हम लोग को पाल पोस के बड़ा किए और उनसे प्यार चाहिए तो उनसे तो हम लोग को हमेशा प्यार मिलता है, और वो हम लोग को बोलती है हमेशा पढ़ो और बढ़ो, बच्चों को हमेशा पढ़ना चाहिए और हमेशा बढ़ना चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? मुस्कान कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हो? हम 7th है। किस स्कूल में? रविंद्र का है। पढ़ने मन लगता है? हाँ। कहाँ ज़्यादा मन लगता है, घर में यहाँ या स्कूल में? ये बहुत बड़ा सवाल है। सबसे अधिक कहाँ मन लगता है? यहाँ और घर में। धन्यवाद। आप कुछ बोलिए। हम बताते जाते हैं। आपको यहाँ कैसा लगता है बच्चों के साथ? बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ आके हमको टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाता है, जो हम गांव में बहुत बच्चों को मिस कर रहे थे यहाँ पे पूरी हो जाती है, इसीलिए हम यहाँ पे एक साथ मिल मस्ती के साथ पढ़ाई भी करते हैं। यहाँ तो आपको कहानियाँ बहुत सुनने को मिलती होगी। जी मिलती है, बट यहाँ पे है क्या कि एक सेशन वाइज होता है, शिफ्ट वाइज करके चलता है, रोज़ रोज़ कहानियाँ नहीं सुनाया जाता है, मतलब पढ़ने का भी है। जैसे 5 दिन हम लोग का यहाँ पे पढ़ाई होता है और 2 दिन जो हुआ सैटरडे और संडे उस दिन कहानियाँ भी बच्चों को सुनाया जाता है और कुछ फिल्म भी दिखाया जाता है और तरह तरह की एक्टिविटी होती रहती है। कोई एक छोटी सी कहानी आप बताएं जो कि आपको बहुत अच्छी लगती है, या कोई भी अच्छी कहानी जो कि आपको क्यों बहुत अच्छी लगती है? कहानी अगर कहानी में लिया है तो जो बचपन में हमने कहानी पढ़े हैं और अधिकांश बच्चे जानते भी हैं और वही कहानी हम रिपीट भी करते रहते हैं। जैसे एक प्रोपकार वाला था ना सिद्धार्थ का जो हंस को, हाँ वो घायल हंस, घायल हंस को, तो वो थोड़ा शॉर्ट संक्षिप्त में वो कहानी जरा बताएं आप। वही हुआ, कहता है एक दिन हंस को वहाँ पे तीर लग जाता है और तीर लग जाता है, तो उसके बाद फिर बच्चों को यही बताते हैं उस कहानी में जो होता था ना, जैसे हंस को लग गया तीर तो घायल हो गया, जो मार दिया उस कहानी का उसी का भाई था, हाँ चचेरा भाई, चचेरा भाई था, वहाँ पे गया था तो बोल रहा था उसको क्या कि हमको हंस दे दिया जाए, तो वो बोले क्या कि नहीं मारने वाले से ज़्यादा हक बचाने वाले का। बचाया था किसने? सिद्धार्थ, जिसका बचपन का नाम राहुल था। हाँ तो वही उसके बाद फिर इसका कोर्ट में भी गया, मतलब राजा के दरबार में गया, गया बात को लाया गया वहाँ पे, तो फिर राजा भी इसका निर्णय यही निकले, एट लास्ट राजा भी यही डिसीजन दिए कि मारने वाले से ज़्यादा हक बचाने वाले का होता है, और इस तरह से हंस को आज़ाद करा दिया गया। तो आज हम देखते हैं समाज में कि सिद्धार्थ जैसे बच्चों की कमी है हमारे समाज में, क्योंकि बच्चों को देखते हैं जैसे समाज में कहीं कुत्ता हो, सड़क पर कुत्ता, आवारा कुत्ता अगर है तो उसे लोग ढेला मारते हैं या डंडा से मारते हैं, लेकिन कोई मना नहीं करता क्यों मारते हो, या पक्षी भी है उसे भी गुलेट से मारते हैं। जी जी बिल्कुल, हम लोग इस पे मतलब दया भाव करुणा वो खत्म होता जा रहा है, घटता जा रहा है बच्चों में। हाँ तो बच्चों को हम लोग की कोशिश जो किया जाता है जनरली हम लोग के द्वारा जो कोशिश किया जाता है ऐसी कहानियाँ सुनाया जाए जिसमें कि प्रोपकार की भावना जगे, बच्चों को कुछ प्रेरणा मिले, प्रेरणा मिले, इसीलिए हम लोग इस तरह की कहानियाँ लाते रहते हैं
और एक देशभक्ति वाली भावना फीलिंग लाने के लिए भी मूवीज दिखाते हैं, जैसे बॉर्डर हुआ, कारगिल हुआ, ये सब दिखाते हैं और बच्चों को बताते हैं कि एक्चुअली में क्या है और कैसे होता है और कौन हम लोगों की एक्चुअली में देश की रक्षा कर रहे हैं, ये सब उस पर जानकारियाँ भी बांटते हैं हम लोग, तो देशभक्ति की भावी जगाते हैं, देशभक्ति की भावी जगाते हैं। आपका शुभ नाम क्या? बंटी सिंह सोलंकी। बंटी सिंह सोलंकी कहाँ के रहने वाले हैं? खंडविहारी घर है हम लोग का, जिसको कि KVI के नाम से हम लोग जान रहे हैं। ये पड़ता है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में, वहीं पे एक छोटा सा गांव है जिसका नाम KVI हम लोग पढ़ते हैं। अच्छे धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। ठीक है। आप ये भी बताएं कि आपकी संस्था को पुरस्कार वगैरह भी मिला होगा? नहीं मिला, लेकिन एक पहचान है, पहचान तो इंटरनेशनल पहचान तो बहुत प्रशंसा भी हो रही है, जैसा कि मैं फेसबुक पर देखता हूँ, बहुत प्रशंसा भी होती है। हाँ हाँ बस यही बात, मतलब फेसबुक में देखा कि आपके प्रशंसक भी बहुत हैं। कहानी घर को जाने में चित्रों के बाद ये तो है कि बहुत अच्छी बात है, सोशल मीडिया का यही एक अच्छा असर है कि सभी लोग जान जाते हैं और दर्शक भी बहुत है, चूँकि ये ऐसा एक काम है नोबेल कॉज है इसे जुड़ना भी बहुत लोग चाहते हैं, इसलिए ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं पटना में रहते हुए बिहार में काम करते हुए इतना साल कि अगर हम कभी भी किसी को कहते हैं या फिर आजकल तो लोग खुद आना चाहते हैं, खुद से कहते हैं कि हम गाने गए तो आना और बच्चों के साथ बिताना वो बहुत प्रशंसनीय है। हम लोग धन्यवाद देते हैं ऐसे लोगों को जो खुद से आके आगे आकर हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं। बच्चे यहाँ आकर बहुत ही खुश हैं, बहुत खुश हैं बच्चे। धन्यवाद। मैं अपना नाम बताइए आप? मेरा नाम मीनाक्षी झा बैनर्जी हुआ, चित्रकार हूँ पेशे से और मेरे हस्बैंड रॉनी बैनर्जी डिज़ाइन थिंकर है। मेरी उसी शुभकामनाएं आपकी संस्था आगे बढ़े और पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिले। थैंक यू।